फ्रेंड्स, मैं मंजू पर फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की बगिया में। फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में विंटर फ्लावर इस समय बड़ी अच्छी ग्रोथ पे हैं और उनमें फूल आने लगे हैं। देखने में बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं और इनको और भी अच्छी ग्रोथ के लिए इनको मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, जो मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। और किस तरह से मैं बनाती हूँ, यही मेरी आज इस वीडियो में है। मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप भी बनाइए और अपने पौधों को दीजिए, उनसे आपके पौधे अच्छी ग्रोथ पे रहेंगे और काफ़ी अच्छे फूल आएंगे। तो किस तरह से बनाते हैं, यही मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए आप मस्टर्ड केक ला सकते हैं मार्केट से, जिसको कि हम खरी कहते हैं, और उस खरी को रख करके आप किसी भी बर्तन में भिगा दीजिए। और भिगाने के बाद में उसको आप जितना भी लीटर पानी लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आप उसमें घोल करके, बहुत ही पतला फॉर्म में घोलना है, और घोल करके अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। इस तरह से आपके पौधे काफ़ी ग्रोथ पे रहेंगे और मैं अपने गार्डन में यही करने वाली हूँ, इसीलिए से ये वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मस्टर्ड केक का है, वो किस तरह से बनाना है, आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रही हूं। तो आप हमारी वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए बनाते हैं मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसके लिए मैंने मस्टर्ड केक को भिगाया हुआ है। और वो किस तरह से हुआ है आइए देखते हैं। ये है वो खली, जो सरसों की खली है, और मैंने इसको एक छोटी सी बकेट में भिगाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास प्लांट ज़्यादा हैं इसलिए से मैंने इसको भिगाया है। और अब मैं धीरे धीरे करके इन प्लांट्स को दूंगी, तो इसको इस तरह से भिगाना है। और ये मैंने पानी लिया है, जो 20 लीटर की बाल्टी है, और इस बाल्टी में मैंने 20 लीटर पानी लिया हुआ है। अब मैं इसके हिसाब से थोड़ा सा ये भीगा हुआ मस्टर्ड केक इसमें डालूँगी और फिर मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सा ही निकाल करके आप पहले इसमें मिलाएं, इसको अच्छी तरह से मिला लेना है, बहुत बढ़िया तरीके से घोल लेना है। पतले से पतला घोल होना चाहिए, तभी आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ पे करेगा। अगर इसको आप गाढ़ा घोलेंगे और ज़्यादा डालेंगे इसमें ये सरसों की खली, तो प्लांट में आपके फंगस भी लग सकते हैं, क्योंकि इसके डालने से, ज़्यादा मात्रा में डालने से काई लगेगी और प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। कुछ येलो कलर का हो गया है ये, और मैंने इसको कल ही भिगाया हुआ था और अभी अब ये बहुत अच्छी तरह से इसमें घुल गया है। और मैं इसको अब प्लांट में दूंगी, क्योंकि अब ये एकदम रेडी हो गया है। ये विंटर के फ्लावर जो भी हैं उनमें थोड़ा थोड़ा देने से ये फर्टिलाइज़र काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर रहते हैं प्लांट। और मैं आज पहली बार अभी इन्हें देने जा रही हूं, क्योंकि मैंने अभी जल्दी ही प्लांट्स लगाए हैं। और आप जब भी प्लांट लगाएं तो 10-15 दिन बाद ही देना स्टार्ट करें, उससे पहले ना दें, क्योंकि प्लांट छोटा रहता है तो भी देना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्लांट को ही जला देगा। तो इसलिए से अब मैं अपने प्लांट को दूँगी। आपने हमारे प्लांट देखे हुए हैं और मैं चलिए देती हूँ किस तरह से इसको पॉट में देना है। अगर पॉट में नमी बनी हुई है तो बहुत थोड़ा थोड़ा देना है, और इसके किनारे से ही आप दीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा मत दीजिए, ताकि ये इस तरह से आप दें कि ये मिट्टी में अच्छी तरह से घुल मिल सके। ऐसे आप मत दीजिएगा कि ये पॉट से बाहर हो जाए। फर्टिलाइज़र आप जब भी दें तो ज़रूरत भरी दें, उससे ज़्यादा ना दें, नहीं तो वो पॉट से बाहर हो जाएगा और आपके प्लांट अच्छी ग्रोथ पर नहीं रहेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दें, मिट्टी में अच्छी तरह से ऑब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह से देते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, और मैं ऐसे ही देती हूं अपने प्लांट को, तभी हमारे प्लांट अच्छी ग्रोथ पे रहते हैं। मैंने सभी पॉट में थोड़ा थोड़ा दे दिया है लिक्विड फर्टिलाइज़र, और अब हमारे प्लांट देखते हैं कितनी ग्रोथ करते हैं। इसी तरह से आप विंटर फ्लावर को मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और इसीलिए से मैंने बनाकर भी दिखाया है और किस तरह से डालना है ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने विंटर फ्लावर को इसी तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक का देंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।